अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हर दिन के साथ जी। आज बन रहा है मेरे किचन में सुपर यमी ऑमलेट। वो सुपर यमी इसलिए है कि वो बनाएंगे हम कैरेट चीज़ और एग्स के साथ। कैरेट ऑमलेट के लिए हमें चाहिए 2 कैरेट्स लिए हैं मैंने नॉर्मल साइज़ की, और 3 to 4 एग्स यूज़ करेंगे। ये वाले एग इसलिए यूज़ करूँगी 3 to 4 क्योंकि स्मॉल साइज़ के एग्स हैं ये। और 1 कप लिया है मैंने चीज़ का, और सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, और हमारा हेल्दी सा ऑमलेट रेडी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी जी। 2 कैरेट्स मैंने ली थी, इनको किया मैंने वॉश और फिर करने के बाद कद्दूकस करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे एग्स और सॉल्ट एंड पेपर। बहुत इजी है और बहुत ही क्विक ये बनने वाला ऑमलेट है, और ये बड़ा अच्छा अमेजिंग सा एक कॉम्बिनेशन रहा एग्स के साथ कैरेट्स का। और हेल्थ के हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो बहुत अच्छा है। बच्चे आजकल अगर हम देखते हैं तो बच्चे इन चीज़ों से भागते हैं जी। पैन रख दिया ऊपर, और इस पर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और ये कैरेट्स। वन टीस्पून पिंक सॉल्ट, ये बहुत जल्दी बनने वाली हमारी रेसिपी है। ये हम संडे ब्रेकफास्ट में आप बनाएं और बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए बहुत बेहतरीन है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है क्योंकि कैरेट्स हेल्दी बहुत अच्छी हैं, और आजकल बच्चे जो हैं इन हेल्दी चीज़ों से भागते हैं। कैरेट्स एग्स अक्सर बच्चे आप देखें एग्स नहीं खाते, इसमें हम जब एग्स भी ऐड हो जाएंगे और ये कैरेट्स भी हैं तो, और जब हम चीज़ यूज़ करेंगे इसके साथ तो बहुत ही मज़े का कम्बिनेशन बन जाएगा इनका। और जो बच्चे नहीं खाते कैरेट्स या एग तो उनको पता भी नहीं चलेगा, अब इस फॉर्म में खा लेंगे। बस अब हम इसको 5 to 7 मिनट के लिए ऐसे कवर करते हैं लो मीडियम हीट के ऊपर, और फिर इसको हम नेक्स्ट एग की तरफ चलते हैं। जी 5 to 7 मिनट्स मैंने कैरेट्स को कुक किया, और इसके बाद आप देखें कि इनका पानी बहुत अच्छी तरह ड्राई हो चुका है। तकरीबन ऑलमोस्ट 60-70% हमारी कैरेट्स जो हैं वो डन हो चुकी हैं। हमें इसको फुल कुक नहीं करना, हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना, ठीक है। और इसको लो मीडियम हीट के ऊपर मैंने इसको कुक किया जी। तो अब मैंने लिया एक बाउल, और बाउल में ऐड करेंगे हम एग्स। जब तक आपने नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करें सब्सक्राइब, और साथ में बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए। यहाँ पर लिया है मैंने एक बाउल, और बाउल में ऐड कर रही हूँ एग्स जी। इसके बाद इनको करेंगे हम अच्छी तरह बीट, और बीट करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे कैरेट्स जो हमने सौते की थी। यहाँ पर करते हैं एग्स को बीट। बड़ा हेल्दी सा ये हमारा ऑमलेट रेडी होगा। आई होप कि आपको पसंद आएगा। अगर आप बच्चों को भी ट्राई करवाते हैं तो बच्चे भी इसको लाइक करेंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही थी कैरेट्स, साथ में इसके अब ऐड करेंगे ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट टू अ टेस्ट जी। इसके बाद हम इसको करेंगे कुक, और हमारा ऑमलेट हो जाएगा रेडी।
जी यहाँ पर मैंने ऐड किया सॉल्ट एंड पेपर, और उसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून पार्सली ड्राइड। अगर आपके पास हैं तो आप ऐड कर लें, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस अब इसको मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद हम चलते हैं पैन की तरफ। पैन को हमने लो मीडियम हीट के ऊपर रखना है और फिर इसको हम करेंगे कुक। जी शुरू में मैंने इसमें ऐड किए थे 3 eggs, और मुझे उसके बाद लगा कि इसमें भी एक एग जो है और ऐड करना चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने इसके अंदर एक एग जो था वो और ऐड किया। अच्छा, एग्स भी जो हैं अगर आपको लगे कि आप कम और या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद हैं तो आप ज़्यादा भी इसके अंदर और यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर टोटल 4 eggs जो थे वो मैंने यूज़ किए थे। जी पैन रख दिया है ऊपर, और इसमें हम 1 tablespoon अगेन ऐड करेंगे। ऑलिव ऑयल में यूज़ करेंगे, आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। जी तो बस यहाँ पे अब हम बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये हमारा ऑमलेट तैयार होने वाला है। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए करते हैं कवर, और यहाँ पर देखें आप बहुत अच्छे से हमारा ऑमलेट सेटल हो गया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीज़, जो कि मैंने ऑलमोस्ट 1/2 cup था मेरे पास नॉर्मल साइज़ का चीज़ भी। अगर आप बहुत ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम आपको पसंद है आप चीज़ भी इसमें क्वांटिटी उसकी कम कर सकते हैं। जी बहुत मज़े का ऑमलेट बना था, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। बच्चों को लंच बॉक्स में दें, बच्चों को डिफरेंट लगेगा खाने में। देखिए बस अब इसको मैंने 1 मिनट जो है इसको और दूंगी, और मैंने इसको कर दिया कवर। ऑलमोस्ट 40 to 50 मिनट्स के बाद इसको मैंने इसकी साइड चेंज की थी और हमारा ऑमलेट हो गया रेडी। आई होप आपको पसंद आई होगी मेरी रेसिपी, और जाते जाते एक दफ़ा फिर अगर नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करते जाएं, सब्सक्राइब लाइक और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा।